हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लेवर बुक्स। अभी बहुत लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है कि नहीं आने वाला है, तो डोंट वरी, आएगा ही आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है बट नोटिफिकेशन तो डेफिनेटली आएगा। तो इस बात को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए और इसको एज एडवांटेज लीजिए और जितना हो सके उतने अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि प्री जो है उसमें कोई कमी ना रह जाए। बाकी मेंस है, उसके लिए 3 महीने का टाइम एटलीस्ट आपको मिलने ही वाला है, तो उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी आपको क्या करना है, अभी बहुत सारे लोग स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं वो कन्फ्यूज होते हैं कि हम कौन से मीडियम के साथ जाए या कौन से मीडियम से हम लोग पेपर दें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सिलेबस नहीं मिल पाता, पूरा स्टफ अवेलेबल नहीं होता है, बुक्स नहीं है अवेलेबल मार्केट में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, पर्टिकुलरली एमपीपीएससी की। तो इसी वजह से जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो स्विच कर लेते हैं और हिंदी मीडियम से ही पेपर देते हैं। तो एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आज कि आप लोगों को क्या करना है, और हिंदी मीडियम वाले जो है उनके लिए भी बताऊँगी मैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत कुछ जानने वाली बात नहीं है, बट क्या चीज़ है जानने वाली, सिर्फ एक कि या तो आपको यूनिक होना पड़ेगा, कहीं भी आपको सिलेक्शन चाहिए तो या तो यूनिक होना पड़ेगा या फिर बेस्ट होना पड़ेगा। प्री तो आप निकाल सकते हैं, हिंदी की बुक्स पढ़ लें या इंग्लिश की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्री आपका इजीली निकल जाएगा। बात आती है मेंस की। मेंस में क्या होता है कि लिखना आपको बहुत सारा पड़ता है, पढ़ना भी बहुत सारा पड़ता है, और सारी चीज़ें ऐसा है कि सारे टॉपिक्स आपको कवर करने ही करने हैं। तो इसके लिए आपको या तो यूनिक होना चाहिए या तो बेस्ट होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोग को। आप एक बंदा है, उसको सारे लोग आलू का पराठा सर्व कर रहे हैं, बट ही गॉट बोर्ड। अब वो आलू के पराठे में किसको चूज़ करेगा? पहले उसको पहली नज़र में अच्छा दिखना चाहिए, देन स्मेल, और देन उसके बाद टेस्ट खाएगा करेगा, तो उसके बाद वो चुनेगा कि चलो कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा है। बट अगर आप एट द सेम टाइम उसको पनीर पराठा सर्व कर रहे हैं तो वो तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत अगर कमी भी रह जाएगी ना उसमें, तो उसको इग्नोर करके वो पनीर पराठे को प्रेफरेंस देगा ही देगा। क्यों? इसीलिए जहाँ तक अगर मैं बात करूँ एमपीपीएससी की, तो सब लोग ऑप्ट करते हैं हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के आपको, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 90% लोग हिंदी मीडियम के साथ जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ स्टाफ, जो भी रीज़न है, या फिर कंफर्टेबल होते हैं हिंदी मीडियम में इस वजह से। तो जो है 90% लोग वो जाते हैं किसके साथ? हिंदी मीडियम के साथ। बट अगर आप 10% में से बनते हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, एवरेज, मेरी भी एवरेज ही है, तो एवरेज भी है अगर आपकी इंग्लिश, तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप इंग्लिश मीडियम के साथ जाएं, ठीक है। और इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ करना है कि आप सिलेबस पहले से कलेक्ट करके रख लीजिए, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं बार बार ये कहती हूँ क्योंकि यहीं पर गलती होती है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट से कि सिलेबस इकट्ठा करके नहीं रखते हैं वो, और एग्ज़ाम के टाइम में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सिलेबस इकट्ठा करके रखना है, या तो अगर आप या तो यूनिक हैं, दूसरी चीज़ क्या है, या तो बेस्ट हो। बेस्ट इन द सेंस, अगर आप हिंदी मीडियम लेते हैं, हिंदी मीडियम का कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत सारे हो जाते हैं, तो आपको क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। आप इतने अच्छे तरीके से पढ़े, और कुछ तो ऐसे हैं कि क्वेश्चन आपको सिर्फ रटना है, लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री में जितने टॉपिक है, अगर आप उस पे एक क्वेश्चन रट ही ले 15 नंबर का, तो ये समझ लीजिए कि वो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, तो इतने मार्क्स आपके पक्के हैं कि उसमें कटते मार्क्स बहुत है, मार्क्स बहुत कम दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स काटते हैं एमपीपीएससी जो मेंस एग्जाम होता है उसमें। तो जितना हो सके आपको कहीं कोई कमी रखना नहीं है, या तो आपको यूनिक होना है या फिर आपको बेस्ट होना है। और रही बात नोटिफिकेशन की, तो वो तो आएगा ही आएगा, उसके लिए बिल्कुल आप फिक्र नहीं कीजिए तो ही अच्छा है, क्योंकि ये फालतू की चीज़ें हैं। और इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग नहीं है, जिनको या तो मे बी फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थोड़े से होते हैं। तो इसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ ऑप्शंस बताऊं, मैं अर्निंग के ऑप्शंस बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि मैं आपके लिए बेस्ट अर्निंग ऑप्शंस बता सकती हूँ जो आप अपनी पढ़ाई के साथ कंटिन्यू रख सकते हैं। ऑब्वियसली 24 घंटे कोई पढ़ाई नहीं करता है, तो जो आपका खाली टाइम है आप उसमें अर्निंग कैसे करें ये मैं आपको बता सकती हूँ। तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बताइए अगर आप चाहते हैं इस पर कोई वीडियो, तो ठीक है। और रही बात मीडियम की, तो अगर आप एवरेज है, एवरेज से अच्छे हैं, तो आप इंग्लिश मीडियम के साथ जाइए। स्टफ की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी, पर अगर एक बार मिल गया तो वो हमेशा काम आएगा आपके, और नोटिफिकेशन डेफिनेटली आएगा, तो डोंट वरी। छोटी सी बात कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जिन जिन लोगों ने भी सुना है, थैंक यू सो मच।